हाँ हेलो दोस्तों, तो देख सकते हो जो यहाँ पे जो है ना गाड़ी चलाना कितना आसान है। देखो कहीं पे भी गाड़ी जो समस्या हो जाता तो ये अपना रिस्पॉन्सिबल बनता है कि उसका देखभाल है कि नहीं, अपना रिस्पॉन्सिबल बनता है ना। जैसे अभी पानी हमारा रेडी वाटर का जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये जो है ना ये 3 बोतल पीने वाला पानी डाल दिया, फिर भी उसका जो है ना गर्मी इतना है कि ठंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बड़ा बोतल जो है ना अभी जो है ना भर के लाया गया है कि नहीं। तो भाई आप कहाँ से? नहीं, मेरा मुझे तो भाई आप कहाँ से कुछ बता मैं सकते हैं? 7 नंबर से आया हूँ। इंडिया? जी जी, कहाँ से है? इंडिया? इंडिया उत्तर प्रदेश लखनऊ। लखनऊ से? उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। तो देख सकते हैं बंदे फंसे हुए हैं और ये 7 नंबर से हॉस्पिटल में आए हैं ना आप? तो हॉस्पिटल में आए हैं, रेडी वाटर जो है ना डेट एक्सपायर, ये गर्मी गर्मी के कारण जो है ना हीट हो गया। जी हम ये हवा निकल रहा है, देखो ऊपर से भी पानी जो है निकल रहा है, गैस ज़्यादा हो गया, बहुत ठंडा मौसम नहीं हो रहा। तो पीछे यहाँ का मुदीर है वो देख रहा है बंदा कि क्या हो रहा है। हदा ओ, जैसे कि देख रहे हो कि पानी जो है रेडी वाटर से जो है पानी निकल रहा है, खोलेंगे तो बूम से होगा, ऊपर तक जाएगा। तो कितना साल हो गया आपको? 3 साल। तो घर उड़ गए थे कि नहीं? छुट्टी होके? नहीं, छुट्टी गया अभी 18 महीना हो गया। 18 महीने हो गया तो बहुत जल्दी गए थे ना? होंगे 12 महीने हो गए थे क्या? 12 महीने में छुट्टी? 17 महीने में छुट्टी गए थे, फिर जाइएगा। तो ये भाई जो है ना निकालने का कोशिश कर रहा है, उसका गर्मी गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये जो निकाल दिए हैं अब जो है ना उससे भाप निकल रहा है, पानी देखें कितना कमी है, बहुत कम है। ठंडा पानी उसमें डाला जा रहा है क्योंकि बहुत हीट हो गया हुआ था। तो आप सब यहाँ पे नए बंदे कोई भी आते हो तो गाड़ी को जो है ना ध्यान देकर चलाने का, क्योंकि हीट सिग्नल जो है ना अंदर में दे देता है। तो यहाँ पे जो ना अभी जो पानी डाल रहे हैं तो कुछ भाई से सवाल जवाब ही पूछते हैं। वहाँ देसी जुगाड़ कैसे जो ना ढक्कन बंद हो रहा, इंडिया से सऊदी तक भी आ गया देसी जुगाड़ बंद होने का। ये सऊदी अरब में भी देसी जुगाड़ चलने लगा, देख रहे हो स्टैंड के जगह जो है ना लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैंड जो है ना शायद हमारे ख्याल से डेट एक्सपायर हो गया मुमकिन, तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैकिंग हो गया, लेटर मार रहे हैं, चलो गाड़ी चालू हो गया, पहले फक पका रहे थे तो सही हो गया, ठंडा हो गया, अभी जा रहे हैं पार्किंग में लगने के लिए। तो देखते हैं कहाँ पे लग रहा है, इसमें क्या गया। तो आप सब कोई नए बंदे आते हो तो रिवर्स में पार्किंग कर सकते हो तो करने का। तो जैसे कि ये भाई ने जो रिवर्स करके पार्किंग किए हैं, जैसे पहले सुबह जब पानी चेक करो, ऑयल चेक करो, टायर नहीं, एक मिनट बताते हैं। जैसे कोई नए बंदे जो है ना आ रहे हैं यहाँ इंडिया से, तो आप जैसे अभी आपका हालात ये हम देखे कि आपका इंजन जो है ना हिट हो गया, तो आपने पानी ठंडा डाला, तो ये बराबर का हाल है कि क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी के ऊपर अगर बंदे को अच्छी गाड़ी मिली तो जरूरी नहीं कि यही मतलब मुश्किल है, अगर पुरानी गाड़ी मिली तो उसको उस हिसाब से होशियार रहना चाहिए हमेशा, मतलब साथ में व्यवस्था, मतलब डिब्बा है, पानी है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब पुरानी गाड़ी होती है उसमें टायर भी इतने अच्छे नहीं होते, तो हवा का ध्यान दो, कम ज़्यादा ना हो, अगर ज़्यादा भी बढ़ दिए तो मुश्किल है, कम है तो मुश्किल है, यही सब है। सबसे ज़्यादा आप गाड़ी चलाते रहो, आपका ध्यान हमेशा 1-2 मिनट में मीटर पे जाना चाहिए। अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी कंप्यूटराइज गाड़ी है, टोटल मीटर पे डिस्प्ले पे यहाँ की सभी गाड़ी यानी कंप्यूटराइज बता रहे हैं, कंप्यूटराइज है। तो कोई भी फॉल्ट होता है तो आगे जो है ना मीटर के पास शो हो जाता है। हाँ, शो हो जाता है, लाइट जल जाता है। अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको भी नहीं खतरा, ना गाड़ी को। अगर उस पर नहीं ध्यान दोगे वो रेड लाइट जलेगा, आप नहीं ध्यान दिए उसके बाद गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। जैसे कि कोई समस्या आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी फौरन रोकना चाहिए साइड के साइड करके? आप इंडिकेटर देख के आप साइड में रुक जाइए पार्किंग में। वो रेड लाइट जलने का मतलब कि आप खतरे का घंटी है, खतरे का घंटी है, आप जितनी जल्दी हो सके आप साइड में लगा दें। जी, यानी उसका पहले सोल्यूशन कीजिए, उसके बाद ही जो है ना आप गाड़ी फिर चलाइए, नहीं तो फिर मुसीबत हो सकता है। कोई चीज भी रेड तुरंत जलने के बाद तुरंत वो ब्लास्ट नहीं होता, उसमें भी टाइमिंग होती है कि आपको मतलब एक होशियार करता है कि आप मतलब होशियार हो जाओ, मतलब ये खतरे की घंटी। जी जी जी, समझ में। तो जैसे कि आप सब सुन रहे हो कि यहाँ पे जो है ना भाई के साथ ये हालात पहले गुजरा हुआ है, अभी भी आपको हम दिखाएं ये हालात की क्या गुजरा था, बस बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे आके जो है ना ये सिग्नल जो है ना गर्म हो गया,
क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे समस्या आता रहता है। नया गाड़ी है तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है, पुराना गाड़ी है तो फिर यार ये क्या कहता है, रेडी वाटर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, है कि नहीं। तो जैसे कि मार दिया क्या, तो जैसे कि अभी जा रहे कोई बंदे मार दिए, बच गया बंदा लग रहा, वो भी स्पीड में था काफी, तो चलो बच गया, चलो सही है। तो यहाँ पे जैसे देख कर चलाया करो, जैसे टर्निंग है तो पहले है कि नहीं, आगे पीछे देख कर जो है ना टर्निंग लीजिए, है कि नहीं, यही बात होता है। सही बात। तो जैसे कि कोई बंदा जो है नए बंदे आना चाहते हैं तो यार को 80-85 हज़ार 1 लाख रुपया लेते हैं इंडिया से, तो उसको कितने में आते हैं पहले बताइएगा। इंडिया में अब जैसे अब ए सी नार नहीं है पासपोर्ट, तो उस पर भी हो, उस पर एजेंट के ऊपर होता है, एजेंट जैसे जिससे ले लेता है, अगर आने का फिर भी अगर बंदा सही नॉर्मल लिया जाए तो 60-65-70 हज़ार लास्ट, फिर भी ये लोग 90-1 लाख-1 लाख-10 हज़ार तक लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो क्योंकि जो हाउस ड्राइवर का वीज़ा होता है ये ज़्यादातर फ्री होता है, हाउस ड्राइवर का फ्री होता है। तो फिर आप जो बता रहे हैं कि 60 तक फिर भी तो अभी तो ज़्यादा है ना। नहीं, अभी जैसे बंदे का ACNR नहीं है जी, उसमें मगजमारी होता है, मतलब कि स्टाम का, उसके बाद दौड़ के दूसरी मार्कशीट बनाते हैं जी, उसमें मतलब खर्चा आता है। जिसका ACNR है वो उसको कितना लगेगा, अगर सही तरीका देखा जाए तो 35-40 हज़ार बहुत है, 35-40 हज़ार बहुत है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो भाई, 18-20 हज़ार का आपके टिकट पड़ेगा, टिकट जी, उसके बाद कम से कम 10 हज़ार रुपये आपका स्टाम्प पे जाएगा, स्टाम्प पे जाएगा, उसके बाद 5-10 हज़ार एजेंट लेगा, 5-10 हज़ार एजेंट लेगा, हाँ जो काम कराएगा वो लेगा, तो यानी 35-40 ACNR का है। तो आपके नज़र में कोई अच्छा ऑफिस का बारे में मालूम जानकारी है आपको तो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ में बहुत सारे हैं, मैं भी जहाँ से आया था, तनवीर भाई है, वो बंदा काम अच्छा करता है आपसे, वो खुल के बोलता है कि 1000 रुपये ज़्यादा लूँगा मगर काम बराबर करके दूंगा, मतलब ये नहीं कि कुछ एजेंट होते हैं भाई मेरे को 40 हज़ार दो उसके बाद आपको बताएंगे, वो ऐसा नहीं है, वो बोलेगा मुझे पैसा एक नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट ला के दो जी, अगर वीजा है तो कोई मुश्किल नहीं मेरे पास है, वो लगा के पूरा कंप्लीट, जब कंप्लीट हो जाता है तो फ़ोन करके खुद बोलता है भाई तुम्हारा फला तारीख को टिकट कर दूँ, अगर आप बोलोगे हाँ कर दो ठीक है, आप पैसा लेके आओ लेके जाओ। तो अभी आप कौन सी जगह पे आए हो यहाँ पे बता सकते हैं, रियाद में जी, यहाँ पे कौन सी जगह पे आए हो। मैं यहाँ 7 नंबर हाईल नर्ज, नहीं अभी यहाँ पे क्या करने आए हो। ये तो हॉस्पिटल में आया हूँ। हॉस्पिटल में आया हूँ, तो हॉस्पिटल का ड्राइविंग करते हो कि बस। मैं हाउस ड्राइवर घर का हूँ, फैमिली को लेके आया हूँ जी जी। लग गया ड्यूटी तो अब जा रहे हैं, तो अब चलो इंशाल्लाह जो है ना दूसरी बार जो है ना कोई अच्छी बात, यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ था तो चलो इंशाल्लाह दूसरी बार जो होंगे कोई बंदे अच्छे मिलेंगे तो उससे भी इंटरव्यू कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।